जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए बड़े आरोप। पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता ने कहा है कि जून 2021 में पास की गई आबकारी नीति पर फंसती आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहाँ अब मुंह छिपाते दिख रहे हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति पर असंवैधानिक प्रेस वार्ता करके बेबुनियाद स्पष्टीकरण दे रहे हैं, क्योंकि यह प्रेस वार्ता मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी। सिसोदिया द्वारा तत्कालीन उपराज्यपाल पर आरोप लगाया, यह मानना है कि नई शराब नीति लागू करने में भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने ये बातें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। आज मनीष सिसोदिया ने पूरी शराब नीति को स्वरूप बदलने का, खराब करने का, उसके फेल हो जाने का सारा दोष पूर्व उपराज्यपाल आदिल मैजल के सर पर बढ़ने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि शराब नीति को हमने अप्रूवल के लिए जब भेजा उसमें उन्होंने बदलाव किए हमारी जानकारी के विरोध में। और दूसरा, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने उठाया, जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी आप पार्टी को कहना चाहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए, ये बात कहते हुए कि जब सारे तथ्य कागजों पर मौजूद थे, सारे नियम कानून कागजों में मौजूद थे, तब अनऑथराइज एरियाज के अंदर, नॉन कंफर्मिंग एरियाज के अंदर शराब की दुकानें क्यों खोली गई, वहां पर शराब की बिक्री क्यों आरंभ की गई, जिसके परिणाम से रिहायशी इलाकों में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा के पास में, स्कूलों के और महाविद्यालयों के पास में, मजदूर बस्तियों के पास, जिसके ऊपर पूर्ण रूप से शराब की दुकानें खोलने का बैन था पुरानी नीति के अंदर और बरसों से जिसको माना गया, एक एक इंच एक एक फुट नपाई होती थी तब जाकर शराब की दुकान का लाइसेंस मिलता था। यह भी उन्होंने कहा कि ये जो अनऑथराइज दुकानें खुली, नॉन कंफर्मिंग एरियाज में जो दुकानें खोली गई, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की अप्रूवल से, उनकी मर्जी से दी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि मनीष सिसोदिया ने पूरी तरीके से उपराज्यपाल अनिल बैजल जो पूर्व में थे उनके ऊपर सारा दोष मढ़ने की कोशिश की है और ये कहा है कि जो भी कुछ हमने किया, जो भी शराब नीति बनी, वो उनकी मर्जी से, उनकी सहमति से भी। अब हमारा पक्ष इसमें यह कहना है कि आप शराब नीति जो आपने लागू की उसमें जो दोष थे जिसके कारण से आपने वापस किया, उस दोष से, इन बातों को करके उस दोष से मुक्त नहीं हो सकते। आपने दिल्ली में दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का जो बुरा काम किया है उस दोष से आप मुक्त नहीं हो सकते। दिल्ली के लाखों नौजवान, जिन लोगों ने, लाखों लोग जिन लोगों ने शराब कभी आज तक चखी नहीं थी, इस शराब नीति के बाद में वो शराब पीने लगे। जिस ढंग से शराब नीति के तहत निजी दुकानदारों द्वारा मार्केटिंग की गई, पंप एंड शो के द्वारा, गाने बाजे के द्वारा, उसके माध्यम से लोग, नौजवान, नए लोग आकर्षित हुए और उन्होंने शराब पीना आरंभ किया, उस दोष से आप मुक्त नहीं हो सकते। जब आपने शराब नीति लागू की, कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है और हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने भी बार बार इस बात को कहा है कि आपने शराब नीति लागू करते समय सामाजिक दृष्टिकोण को अनदेखा किया, सामाजिक दृष्टिकोण को आपने बिल्कुल ताक पर रख दिया। कभी भी इस तरीके से बार बार आपने कहा सब राजस्व बढ़ाने के लिए हमने शराब नीति को बनाया है, 6700 करोड़ रुपया मिलता था, 9000 करोड़ रुपया आपने कर दिया, आपने उसमें वाहवाही लूटनी चाहिए। लेकिन लोक कल्याण की सरकार जब होती है, वेलफेयर स्टेट के अंदर मादक द्रव्यों की जो बिक्री है उसमें राजस्व का बढ़ना नहीं देखा जाता,
कल को ये कहेंगे केजरीवाल साहब कि साहब दूसरी जो नशे की चीजें हैं जो आज प्रचलित हैं, स्मैक है, गांजा है और दूसरी तरह की चीजें, जैसे पंजाब में एक मादक द्रव्य चलता था चिट्टा के नाम से, वो भी आप वो भी उसकी बिक्री भी शुरू कर दो, उसके लिए भी पॉलिसी बना दो ताकि वो बिक्री शुरू हो जाए तो राजस्व तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन क्या कल्याणकारी नीतियां एक वेलफेयर स्टेट में इस प्रकार से उनकी इजाजत दी जा सकती है? उनको बिल्कुल नहीं दी जा सकती। हमारा इसमें सख्त इतराज है कि पॉलिसी के बनाते समय केजरीवाल ने सामाजिक पहलू का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। और दूसरा आरोप जो हम लगाने जा रहे हैं वो ये है कि आपने अनऑथराइज और नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें खोलकर इस बात को लेके कि हम ये मनीष सिसोदिया ने कहा है इस बात को, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर शॉप्स करना चाहते हैं। उनका कहना है कि किसी वार्ड में तो एक भी दुकान नहीं थी और किसी वार्ड में 20 दुकानें खुली हुई थी। चलिए हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर आप लोगों के घरों की बस्तियों में, रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोल देंगे, स्कूलों के पास में, मजबूर बस्तियों में, मंदिर मस्जिद के पास में शराब की दुकानें खोल देंगे, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये समाज को खराब करने का काम, समाज को दूषित करने का काम, समाज में बुरी लत डालने का काम है जो उन्होंने किया है। हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो जो प्रेस वार्ता आज मनीष सिसोदिया जी ने की है वो सिद्धांतिक रूप से गलत है। ये प्रेस वार्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को करना चाहिए। दिल्ली की शराब नीति दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी और इसके बारे में विदेशों के अंदर भी काफी चर्चाएं इसके बारे में हुई। बहुत बड़ा एक फैसला दिल्ली सरकार का 2021 में लिया था, उसके ऊपर अगर स्पष्टीकरण देने की जरूरत थी तो केजरीवाल साहब को खुद सामने आकर इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए था। एक तरीके से हम ये कहेंगे कि केजरीवाल इस पूरे मामले से अपने आप को हटाकर जो गलती और जो कृत्य उन्होंने किया है दिल्ली की जनता के साथ में, धोखा किया है, उससे मुंह छुपाने का काम किया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ में जो सीबीआई की जांच आरंभ हुई, एक तरीके से मनीष सिसोदिया उसकी पुष्टि भी केजरीवाल ने कर दी है कि जांच तुम्हारे खिलाफ में है और तुम जाओ और इसका स्पष्टीकरण करो। लेकिन शराब नीति की सामूहिक जिम्मेदारी पूरे मंत्रिमंडल पर है और विशेष रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर है। इसमें हमें बड़ा भारी इतराज है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं कि केजरीवाल इस पूरे मामले पर मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया साहब ने प्रेस वार्ता के अंदर जो हाव भाव था और जिस ढंग से उन्होंने बातें रखी तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव पर, उनके बात करने के तरीके पर निराशा, हार और प्रताड़ना साफ नजर आ रही थी और एक हारे हुए जुआरी की तरह से उन्होंने दिल्ली सरकार की शराब की गलत नीति, जन विरोधी नीति, भ्रष्टाचार में लिप्त शराब की नीति जो दिल्ली सरकार की है उसका दोष पूर्व उपराज्यपाल के सर पर डालने की कोशिश की और बात को घुमा घुमा कर शब्दों के अंदर हेर फेर करके उन्होंने ये कहा कि जो सुझाव दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल ने शराब नीति के ऊपर दिए थे, दो बार सुझाव आए, उन सुझावों को हमने शराब नीति में बदलाव के लिए इस्तेमाल किया और जो अंत में फाइनल नीति को हमने उपराज्यपाल के पास अप्रूवल के लिए, संतुष्टि के लिए भेजा, हमारी जानकारी के बिना उन्होंने उसमें बदलाव कर दिया। ये एक बड़ी रुचिकर बात है, इंटरेस्टिंग बात है
ये बात कहकर केजरी मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को लेकर जो दिल्ली में आक्रोश बना, महिलाएं बच्चे नौजवान सड़क पर उतरी, और मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक मात्र एक ऐसा दल था जिसने पहले दिन से शराब नीति जब जून के अंदर फाइनली लागू हुई तब से इसका विरोध करना शुरू किया, प्रदर्शन किए, धरने किए, प्रेस वार्ताएं की और लोगों में जन जागरण किया, जनता का पक्ष रखा, जनहित का पक्ष रखा, दिल्ली की महिलाओं का, बच्चों का, नौजवानों का पक्ष रखा। तो आज मैंने सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जैसे मैंने शुरू में कहा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला काम किया है। बड़े गाजे बाजे के साथ में उन्होंने सुबह से अनाउंस करना शुरू किया था कल से कि बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, और उन्होंने यहां तक कहा है कि जो बदलाव पूर्व एलजी ने किए हैं पॉलिसी के अंदर उसकी हम सीबीआई से जांच की मांग करते हैं, और एक चिट्ठी भी लिखी। तो भैया आज ही आपको याद आया है, जिस समय पॉलिसी फाइनली अप्रूव होके प्रेसिडेंट से आई थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहां से आई थी, अगर आपको लगता था कि इसमें बदलाव जो इन्होंने किए हैं वो जनहित में नहीं है, आपने वो लागू क्यों की पॉलिसी? उसी दिन उसी क्षण आपको उसको बंद कर देना चाहिए था और पब्लिकली अनाउंस करना चाहिए था कि साहब जो पॉलिसी हमने बनाई थी और जो पॉलिसी हमको दी गई है बनाकर उसमें फर्क है, इसलिए हम इसको लागू नहीं करना चाहते। आज पूरा एक साल हो गया, दिल्ली के अंदर आंदोलन का माहौल बना हुआ है, दिल्ली की जनता आक्रोशित है, नाराज है, गुस्से में है, पीड़ित है, और आप आज ये बात कह रहे हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं कि उनकी जो प्रेस वार्ता आज हुई है वो बेमायने है, एक बेमानी है, और एक बार फिर केजरीवाल और उसके लोग, उसका मंत्रिमंडल जिस प्रकार शराब की नीति बनाकर उन्होंने लोगों में भ्रम किया, प्रचार किया, विज्ञापन किए, आज की प्रेस वार्ता से भी लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, और जो आवाज उनके खिलाफ उठी है, जो गुस्सा उनके खिलाफ में, उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।